यहाँ पे वुल्स को सेल करने के लिए जाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने काउस को भी पाल लिया है। हम लोगों ने यहाँ पे फिर से काउ फार्म, स्टेट फार्म और पिक फार्म ओपन किए हैं। ये अपना ट्रैक्टर बड़ा वाला है, इसलिए हम लोग अभी एक छोटा वाला ट्रैक्टर बाय करने वाले हैं और उससे हम लोग वुल्स को बेचने के लिए जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा वाला ट्रैक्टर होने के कारण ये ज़्यादा फ्यूल लेता है। हम लोग यहाँ पे ये जून डियर 8014R ये बाय करने वाले हैं। ये भी बड़ा है लेकिन इसे चलाने में जो मजा है वो कोई और ट्रैक्टर चलाने में मजा नहीं है। यहाँ पे वुल्स लोडर इसको भी परचेस कर लिया मैंने। अब हम लोग देखते हैं ट्रैक्टर में, ये अपना आ चुका है जॉन डियर ट्रैक्टर। इसके पीछे 3,87,000 का अपने को खर्चा आ चुका है। और अब हम अपने जूनियर ट्रैक्टर को लेकर चल रहे हैं सीप फार्म पर। वहाँ से हम लोग सीप से जो वूल निकलता है, मतलब कि रू, उसको हम जाके बेचने वाले हैं जिस भी मिल पे, मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा प्राइस मिलेगी उसी जगह पे जाके हम लोग बेचेंगे। यहाँ पे थोड़ा स्लो कर लेते हैं क्योंकि इधर से गाड़ी आ जाती है, कभी भी पता नहीं चलता, नहीं तो ठुक जाएंगे। मेरा ट्रैक्टर बहुत ही रफ्तार से जा रहा है, आप देख ही सकते हो 49 की स्पीड से। अभी शायद से सुबह का वक्त हो रहा है लगता है। या फिर शाम होने वाली है, कुछ पता ही नहीं चल रहा क्योंकि इधर बारिश होने जा रही है। ये हम लोग आ चुके हैं सीप फार्म पे। हमारा ट्रैक्टर इतना तेज चलता है कि हम लोग यहाँ पे कितनी जल्दी आ चुके हैं आप लोग देख सकते हो। इधर अभी 2 बजने हैं और मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत वुल्स को बना के साइड पे लगा कर रखा है और हम लोग उसी को अभी लोड करके ले जाने वाले हैं। और रिवर्स लेते हैं, अभी जो अपने पास से एक बचा हुआ है इसको भी लोड कर लेते हैं क्योंकि अपने पास अभी भी काफ़ी जगह बची हुई है। ये लोड हो चुका है, अभी हम चेक करते हैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइस मेरे को वुल्स को वुल्स की मिलने वाली है। अरे तो एक ही जगह बिकेगा अपना वुल, ये बिकने वाला है लेग साइड हिल वुल एंड यार्न पे। इधर से थोड़ा चलो आगे से घुमा लेंगे, थोड़ा आगे जाके अब लोग देख सकते हैं कैसे लोड हो चुका है टेढ़ा मेढ़ा सा। मुझे यही डर लग रहा है कि ये गिर गिर गया तो अपने को दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें चढ़ाने के लिए। इधर से स्लोली स्लोली मोड़ते हैं यहाँ से। ये ट्रॉली में अभी बहुत ज़्यादा लोड भरा हुआ है, अभी भगाते हैं। यहाँ पर मैंने सभी ट्रॉली में ग्रास को लोड करके रखा है क्योंकि हम लोगों को जब भी जरूरत पड़ेगी तब हम लोग ले जाके यहाँ पे सीप काउस को डाल देंगे, तभी अपने को तुरंत काटने की जरूरत नहीं रहेगी।
फिलहाल हम लोग यहाँ पे अपना ट्रैक्टर को थोड़ी देर के लिए खड़ा करते हैं और इस मशीन को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी बारिश बंद हो चुकी है और इस खेत को भी काटना जरूरी है। ये कटाई स्टार्ट हो चुकी है। ये अपना ट्रक था, ये यहाँ पे ग्रास को काट रहा है। ये यहाँ पे ये भी ग्रास को काट के खत्म कर चुका है। अब हम लोग इस ट्रैक्टर को फिर से लेके चलते हैं लेफ्ट के पास, मतलब कि लेक हाउस, मैं तो भूल गया इसका नाम, लेक हाउस तो था। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। कितना छोटा रास्ता है यहाँ से, बहुत मुश्किल आ रही है। देख सकते हैं आप लोग, एक ट्रैक्टर का टायर नीचे से जा रहा है। अगर हम लोग ऐसे नहीं ले गए तो ये ट्रैक्टर का टक्कर भी हो सकता है। अरे ट्रॉली कितनी खतरनाक डांस करती है जा रहे, आप देख सकते हैं। इस ट्रैक्टर का चलाने का जो मजा है वो कोई और बात में मजा नहीं है। अगर छोटा ट्रैक्टर होता इससे वो ट्रैक्टर पलट ही जाता, क्योंकि ये इतना बड़ा ट्रैक्टर है फिर भी इस ट्रॉली ट्रैक्टर को हिला दे रही है, आप देख सकते हो। तो फिर छोटे ट्रैक्टर की तो क्या बात है, छोटा ट्रैक्टर का ऐसे ही पलट जाता। ये हम लोग आ चुके हैं लेक हाउस के पास। यहाँ पे वुल्स और यान को बेच सकते हैं हम लोग। मैं तो आप लोगों को देख सकता हूँ कि लेक साइड हिल वुड एंड यान यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे हम लोग इसको सेल कर देते हैं।